अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट नैंड गेट थ्योरी, ऑपरेटर्स, प्रोसीजर एंड ट्रुथ टेबल, हाउ टू डिजाइन अ नैंड गेट ऑन अ ब्रेडबोर्ड यूजिंग आईसी एंड ट्रांजिस्टर। दिस इज द पार्ट 1 एंड द इन सेकेंड पार्ट वी डिजाइन अ ब्रेडबोर्ड परफॉर्मेंस ऑन अ ब्रेडबोर्ड यूजिंग आईसी एंड ट्रांजिस्टर इन द पार्ट 2 ऑफ लेक्चर नंबर 5। हमारे लेक्चर्स की सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थ्योरी को, उसके बाद यूजेस उसके, लॉजिकल सिंबल्स क्या है, ऑपरेटर्स, सर्किट डायग्राम, ठीक है, नैंड गेट ऑन ब्रेडबोर्ड यूजिंग डायोड एंड ट्रांजिस्टर, इसका प्रोसीजर क्या है, ट्रूथ टेबल, ठीक है, नैंड गेट ऑन ब्रेडबोर्ड यूजिंग आईसी को यूज करते हुए हम ब्रेडबोर्ड पर किस तरह से डिजाइन करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट, और लास्ट में हम रेफरेंस बुक्स को देखेंगे। द नैंड गेट और नॉट एंड गेट इज द कम्बिनेशन ऑफ टू बेसिक लॉजिक गेट्स, कि ये जो हमारे पास नैंड है ये टू बेसिक लॉजिक गेट्स का जो है वो कम्बिनेशन है, यानी कि एन फॉर नॉट, यहाँ पे हमने एन फॉर नॉट के लिए यूज किया, एंड फॉर एंड गेट, यानी कि नॉट प्लस एंड गेट का कम्बिनेशन है of two basic logic gates, the AND gate and the NOT gate, connected in series, कि इनको हम connected करते हैं दोनों gates को series में, तो then हमारे पास जो combination से gate बनता है उसको हम कहते हैं NAND gate, the NAND gate and NOR gate, NOR gate हम next lecture में discuss करेंगे, ठीक है, इन दोनों gates को हम universal gates कहते हैं। अब the NAND gate and NOR gates can be called the universal gates since the combination of these gates can be used to accomplish any of the basic operation, यानी कि इनको हम universal logic gates या universal gates हम क्यों कहते हैं, कि universal gate क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए universal gate क्या है। अब जो हमारे पास universal gate होता है, a universal gate is a logic gate which can implement any boolean function without the need टू यूज एनी अदर टाइप ऑफ लॉजिक गेट, कि किसी भी और लॉजिक गेट को यूज किए बगैर ये जो है कोई भी आपके पास जो बुलियन फंक्शन है या बेसिक ऑपरेशन है उसको जो है इम्प्लीमेंट करता है। नैंड एंड नोर गेट्स आर यूनिवर्सल गेट्स, अब इन दोनों को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं, दिस मीन्स दैट यू कैन क्रिएट एनी लॉजिकल बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग ओनली नोर गेट्स और नैंड गेट, कि इन दोनों गेट्स को हम यूज करते हुए कोई भी गेट्स जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। Hence, NAND gate and NOR gates are combination can produce any inverter, यानी कि इन दोनों से इन्वर्टर कम्बिनेशन से प्रोड्यूस होता है, एंड OR गेट से और AND गेट से, तो उसके बाद हमारे पास जो कम्बिनेशन आता है वो NAND और NOR गेट का आता है। अब इसके यूजेस क्या है, कि NAND गेट जो है वो हमारे पास कहाँ, इसकी एप्लीकेशन जो है और कहाँ पे ये यूज किया जाता है, किस लिए ये यूज किया जाता है, उसको हम फर्दर देखते हैं। NAND गेट्स can also be used to produce any other type of logic gate function and in practice the NAND gate forms the basic of most practical logic circuits mein ye use hota hai, theek hai, aur ye produce karta hai kisi bhi other types ke logic gates ke functions ko, by connecting them together in various combination the three basic gate types of AND, OR and NOT functions can be formed using only NAND gates। अब नैंड गेट्स को हम नॉर गेट से भी प्रेफरेंस देते हैं, वो इसलिए कि नैंड गेट से एक ऐसा गेट है जिससे हम अदर दो जो बेसिक हमारे लॉजिक गेट्स हैं थ्री टाइप्स और नॉट एंड नैंड, ये गेट्स भी हम इससे जो है वो इसके कम्बिनेशन से हम बना सकते हैं। नैंड गेट्स यूज इन सेफ्टी अलार्म, अब नैंड गेट जो है वो सेफ्टी अलार्म्स में यूज होता है, और इसकी डेली लाइफ में किस तरह से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, कि नैंड गेट जो है इसकी अगर एप्लीकेशन देखें सेफ्टी अलार्म किस तरह के, कि जैसे फायर कहीं पे आग लगी है, ठीक है, तो वहां पे अलार्म जो है वो प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वो जो साउंड प्रोड्यूस होती है वहां पे भी नैंड गेट्स यूज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा थेफ्ट अलार्म यानी कि चोर का अलार्म, जो उसके लिए भी वहां पे भी जो है वो नैंड गेट्स यूज होते हैं, इनको यूज किया जाता है वहां पे भी, ये इसकी एप्लीकेशन है कि इस तरह से डिफरेंट अलार्म्स में ये जो नैंड गेट है वो यूज किया जाता है। नैंड गेट के लिए जो लॉजिक सिंबल हम यूज करते हैं एंड बोलियन एक्सप्रेशन उसका क्या है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर ये देखेंगे आपके पास नैंड गेट का सिंबल है, जिससे एक्चुअली में एंड गेट वाला सिंबल आपके पास होता है वही नैंड गेट है, सिर्फ इसमें क्या है हम इन्वर्टर यानी कि इन्वर्टर बबल लगा देते हैं। ये आपके पास ए है और इसको सॉरी इसको रेज कर लेते हैं,
ये आपके पास इनपुट ए है और सेकंड ये आपके पास इनपुट बी है। यहाँ पर जो आपको वाई इनपुट मिलेगी वो इसको इन्वर्ट करके यानी के वो ए डॉट बी बार देगी। ये इन्वर्जन बबल की वजह से जो आपके पास नैंड गेट का ट्रुथ टेबल होगा वो इन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा ए डॉट बी। तो ये बार ऊपर लगा देंगे तो ये आपके पास नैंड गेट की इक्वेशन बन जाएगी। सिंपल इस तरह से लिखेंगे तो आपके पास एंड गेट की होगी, अगर ऊपर आप बार लगा देंगे तो आपके पास ये बन जाएगी नैंड गेट के लिए, और इसको हम यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि आउटपुट इज इक्वल टू ए डॉट बी बार। अब ये नैंड गेट जो है इसके लिए टू इनपुट्स भी होती हैं और थ्री इनपुट्स नैंड गेट भी होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आईसी हम यूज करेंगे या डायोड्स को यूज करते हुए टू इनपुट्स के लिए जो है वो सर्किट डिजाइन करेंगे ब्रेडबोर्ड पर, ठीक है। फर्दर एप्लीकेशन में थ्री इनपुट्स भी इसके के लिए यूज होती हैं, ठीक है, नैंड गेट के लिए। अब ये भी इसी का सिंबल है कि अगर आपके पास एक एंड गेट है और उसके आगे आप नॉट गेट अटैच कर दें तो यहाँ से जो आपको इसकी आउटपुट मिल रही है वो नॉट गेट के इन्वर्ट करके आपको आउटपुट दे दे तो वो आपके पास नैंड गेट बन जाती है। इस तरह से भी आप इसके सिंबल को लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, और सिंपली इस तरह से भी नैंड गेट को आप लिख सकते हैं। अब ये टू इनपुट्स के लिए नैंड गेट है, अगर आपके पास थ्री इनपुट्स होंगी तो वो ए डॉट बी डॉट सी बार ये आपके पास लॉजिकली इनपुट्स आ जाएगी। जब एट होंगी तो ये आपके पास जो है वो इसका ट्रुथ टेबल भी चेंज हो जाएगा एट वैल्यूज के लिए। पहले आपकी थ्री की इनपुट्स जो है वो जीरो होंगी, फिर ठीक है वन जीरो, बाकी टू वन होंगी। इस तरह से फर्दर करते हुए एट वैल्यूज जो है वो ट्रुथ टेबल बनेगा। अगर टू वैल्यूज के लिए है तो वो फोर वैल्यूज के लिए बनता है, ठीक है। दोनों जीरो है, एक वन है आपके पास, एक जीरो दूसरी वन है फर्स्ट जीरो, या फिर दोनों वन है तो थ्री के लिए इसका ट्रुथ टेबल भी जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ ऑपरेटर्स में हमारे पास इसमें टू डायोड्स रिक्वायर है, हमें वन एनपीएन ट्रांजिस्टर है, टू रेजिस्टेंस रिक्वायर है 1000 ओम्स की, और एक रेजिस्टेंस आपको 100 ओम की रिक्वायर्ड है। ब्रेडबोर्ड एलईडी चाहिए आपको, 4 वोल्ट बैटरी, कनेक्टिंग वायर्स। नेक्स्ट ये ऑपरेटर्स, ये डायोड है आपके पास, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, ग्रे साइड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल एंड ब्लैक साइड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल। बैटरी यूज होगी इसमें और कनेक्टिंग वायर्स। ये ब्रेडबोर्ड है, ठीक है, एलईडीज एंड ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस दो आपको चाहिए 1000 ओम्स की, और एक आपको 100 ओम्स की चाहिए। ये देखिए ये दो डायोड्स आपको रिक्वायर है, यहाँ पे पेन मैं यूज करती हूँ। ये आपके पास फर्स्ट इनपुट है, ये आपके पास सेकंड इनपुट है, डायोड वन है और ये डायोड आपके पास टू है। इन दोनों डायोड्स को आपने कनेक्ट करना है, यानी कि एक वायर को यूज करके इन दोनों को आपस में कनेक्शन करना है, और फिर उसी कनेक्शन में ये वर्टिकली कनेक्टेड होंगे ना इस तरह से, तो एक ब्लॉक के अंदर आप ये इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे 1 किलो ओम की जो रेजिस्टेंस आपके पास होगी, और उस रेजिस्टेंस को आप उसका दूसरा टर्मिनल, एक टर्मिनल इन दोनों डायोड्स के कॉम्बिनेशन के साथ अटैच करेंगे और दूसरा जो टर्मिनल होगा वो ट्रांजिस्टर की बेस के साथ आप अटैच करेंगे। अब यहाँ पे पॉजिटिव आप प्लस वीसीसी यानी कि प्लस 5 वोल्ट या 4 वोल्ट आप इसको सप्लाई करेंगे बैटरी के थ्रू। अब उस 5 वोल्ट के साथ यहाँ पे इस डायोड के साथ एक रेजिस्टेंस अटैच करेंगे उसी के वर्टिकली ब्लॉक में, उसको डायरेक्टली आप वीसीसी के साथ सप्लाई करेंगे, और यहाँ से एक और रेजिस्टेंस आपके पास होगी उसको भी आप वीसीसी के साथ जो है वो सप्लाई देंगे प्लस वीसीसी। अब वो रेजिस्टेंस जो है उसका सेकेंड टर्मिनल आप कलेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगी, और कलेक्टर एंड जो आपके पास इसका मीटर होगा इन दोनों के सेंटर में आप ये एलईडी, ये एलईडी का सिंबल है, ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, एलईडी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप एलईडी फॉर आउटपुट चेकिंग के लिए जो है वो एलईडी कनेक्ट करेंगे मीटर एंड कलेक्टर के सेंटर में, और फिर आप मीटर को जो है वो ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ब्रेडबोर्ड पर सर्किट जो है वो डिजाइन करेंगे इन कंपोनेंट्स को यूज करते हुए। तो नेक्स्ट ये आपके पास एक और इसके नैंड गेट की जो है वो सर्किट डायग्राम है और उसका ट्रुथ टेबल। इसमें हम ट्रांजिस्टर्स को यूज करते हैं, डायोड्स को नहीं। अगर आपको एग्जाम्स में आए कि आपने नैंड गेट सर्किट डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है और वेरीफाई करना है ट्रुथ टेबल,
तो देन आप इन ट्रांजिस्टर को, ये वाले डायग्राम को यूज करते हुए जो है वो सर्किट को डिजाइन करेंगे। अगर आपको मेंशन ना हो, जस्ट नैंड गेट हो, फिर आप डायोड वाला भी कर सकते हैं, आईसी से भी बना सकते हैं और इसको ट्रांजिस्टर से भी बना सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। लेकिन अगर मेंशन कर दिया जाए ओनली ट्रांजिस्टर यूज करते हुए ड्रॉ करें, फिर आप इस डायग्राम से करेंगे। अगर डायोड वाली है तो जो भी मैंने आपको लास्ट में करवाई है उसको यूज करते हुए करेंगे। अगर आईसी को है तो फिर आईसी आप नंबर जो है 7400 जो है वो यूज करते हुए सर्किट को डिजाइन करेंगे। अब ट्रांजिस्टर वाले में देखें, इसमें डिफरेंस ये है, 3 ही आपके पास जो है वो रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है, 3 रेजिस्टेंस यूज होंगी, लेकिन इसमें ट्रांजिस्टर जो है वो 2 यूज होंगे। एक रेजिस्टेंस एक जो इनपुट के साथ अटैच है वो उस एक ट्रांजिस्टर की जो है वो बेस के साथ अटैच होगी, दूसरी जो है वो दूसरी बेस के साथ अटैच होगी, और इन इसका मीटर जो है इसके कलेक्टर के साथ कनेक्ट, और सेकेंड का मीटर जो है वो ग्राउंड हम कर देंगे, और यहाँ कलेक्टर के साथ आप आउटपुट कनेक्ट कर देंगे और मीटर के साथ इसकी एलईडी का सेकंड टर्मिनल लगा देंगे, और जो थर्ड आपके पास रेजिस्टेंस है उसको वीसीसी पावर सप्लाई के साथ यानी कि बैटरी के साथ अटैच कर देंगे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो ये आप लोगों के लिए एक एज असाइनमेंट है कि एक की परफॉर्मेंस मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी और सेकेंड की आप लोगों ने मुझे करके जो है वो सेंड करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है नैंड गेट ऑन ब्रेड बोर्ड यूजिंग ट्रांजिस्टर एंड डायोड। यहाँ पर आप ये देखें, ये जैसे हमारे पास सर्किट डायग्राम थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने कनेक्शन किया है। ये आपके पास डायोड 1 है, D1 इसको आप लिख लें, ये आपके पास डायोड D2 है, ठीक है। इन दोनों को, ये जो येलो कलर की वायर है इसके साथ हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, ये इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। अब ये सेंटर वाले में पोर्शन में ये डायोड का एक टर्मिनल है और ये वायर हमने अटैच किया, सेंटर में जो प्लग था उसमें हमने रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल अटैच कर दिया, ये रेजिस्टेंस है हमारे पास R1, और इस रेजिस्टेंस का जो सेकंड टर्मिनल है ये वायर ऊपर आ गई, यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर की बेस है उसके साथ अटैच कर देंगे, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे ये देखे थर्ड रेजिस्टेंस जिसको हमने प्लस VC के साथ अटैच करना है और दोनों दूसरे डायोड के साथ है, यहाँ पे इसी रो में इस वर्टिकली हम यहाँ पे अटैच करेंगे और उसका दूसरा टर्मिनल जो है वो VCC के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब जो थर्ड रेजिस्टेंस है वो भी VCC के साथ कनेक्ट है, लेकिन उसकी जो दूसरा टर्मिनल है वो ट्रांजिस्टर के यहाँ पे कलेक्टर होगा। अब ये देखें ये वाली जो रेजिस्टेंस होगी ये इसकी टर्मिनल आगे जाएगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर की बेस में ट्रांजिस्टर मैंने इस तरह से लगाया है, इस तरह से यहाँ पे उसके पास कलेक्टर है, सेंटर में उसके पास बेस है और थर्ड में उसके पास कलेक्टर मीटर है। तो बेस के साथ आपने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे अटैच कर दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे जो कलेक्टर होगा उसके साथ आप रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल लगा के दूसरा प्लस VCC में लगा देंगे, ये आपके पास VCC सप्लाई है जो आप 4 वोल्ट या 5 वोल्ट से इसको प्रोवाइड कर। अब ये इसके बाद यहाँ पे जो मीटर और कलेक्टर, एक टर्मिनल मीटर में नेगेटिव टर्मिनल लगाएंगे आप LED का, और दूसरा टर्मिनल यहाँ पे जो कलेक्टर है उसके साथ यहाँ पे आप अटैच करेंगे। ये LED है फॉर आउटपुट, और जो मीटर है इसको आपने यहाँ पे नेक्स्ट फर्दर ये ब्लू कलर की वायर के साथ जो है वो ग्राउंड कर दिया, और ये जो है ब्लैक कलर की वायर ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, और ये जो रेड कलर की वायर है ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है। अब ये जो ऑरेंज कलर में वायर है ये आपके पास डायोड D2 के साथ इनपुट 2 है, और ये जो ग्रीन कलर की वायर है ये आपके पास इनपुट 1 है, जो डायोड D1 के साथ अटैच है उसी की वर्टिकली रो में। तो इस तरह से आप ब्रेड बोर्ड पर इसके जो है वो सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब इसकी परफॉर्मेंस की जो है वो वीडियो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हम इसको परफॉर्म करते हैं। पे जस्ट स्लाइड्स में हिंट देने के लिए कि आपने प्रोसीजर जो है वो किस तरह से लिखना है, तो यहाँ पे लिखा है, लेकिन आपने इसको बकायदा पूरा जो है वो स्टेप बाय स्टेप जैसे आपने परफॉर्म करना है सर्किट को जो है वो डिजाइन करना है, वैसे ही आपने सारा जो है वो प्रोसीजर लिखना है। कनेक्शंस आर गिवन एज पर सर्किट डायग्राम, उस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग आपने सारे कनेक्शंस लगाने हैं, ठीक है। सबसे पहले सर्किट ड्रॉ करनी है, डायग्राम ड्रॉ करनी है, उसके बाद कनेक्शन। लॉजिकल इनपुट्स आर गिवन एज पर सर्किट डायग्राम, जैसे सर्किट डायग्राम में लॉजिकल इनपुट्स होंगी वैसे आपने देनी है। ये जस्ट प्रोसीजर मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से आपने करना है, लेकिन आपने जब लिखना है आपने जिस तरह से उसको परफॉर्म करना है वैसे ही स्टेप बाय स्टेप उसको राइट अप करना है। ऑब्जर्व द आउटपुट एंड वेरीफाई द ट्रूथ टेबल, और लास्ट में फिर ऑब्जर्व द आउटपुट और वेरीफाई द ट्रूथ टेबल करना है। ये भी 4 स्टेप्स में आप लिखेंगे कि पहले आप उसकी इनपुट जो है वो 1 को आप 0
जो है वो रखते हैं लो लेवल पर, और आपको सेकंड की हाई लेवल पर, इस तरह से आप उसको फोर स्टेप्स में जो डिफाइन करेंगे। तो ये आपका प्रोसीजर है डायोड को यूज़ करते हुए ट्रांजिस्टर को फॉर नैंड गेट। तो ये ट्रूथ टेबल है इसका कि अगर आपके पास ए जो है वो ज़ीरो है इनपुट, और बी जो है वो भी आपके पास ज़ीरो है, तो आपके पास आउटपुट वन आएगी। सेकंड, आप इसमें एक और कॉलम ड्रॉ कर सकते हैं, वो आपके पास क्या होगा, ये ए और बी है, वो एंड गेट का होगा आउटपुट ए डॉट बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास होगी नैंड गेट की आउटपुट, जिसमें आपके पास होगा ए डॉट बी बार। इस तरह से मिस्टेक नहीं होती। ये तो भी टू इनपुट्स के लिए आपके लिए टेबल ड्रॉ किया गया, अगर आप थ्री इनपुट्स के लिए आपके पास आ जाइए, हाफ एडर फुल एडर नेक्स्ट हम करेंगे उसका टेबल हो, तो उसमें एट मतलब थ्री इनपुट से हम जो है वो वेरिफिकेशन करते हैं ट्रूथ टेबल की, तो उसमें फिर इस तरह से मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। अगर आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप कर लें तो फिर कोई मिस्टेक नहीं होती टेबल ड्रॉ करने में, कि आप ये ज़ीरो 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 होगी, ठीक है, ए डॉट बी आपने करना है, और ज़ीरो वन ज़ीरो, क्योंकि मल्टीप्लाई जब हम ज़ीरो से किसी भी टर्म को करते हैं वो उसको ज़ीरो कर देती है, वन ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है, और वन वन वन। अब बार का मतलब है कि इसके ऑपोजिट होगी नैंड गेट के लिए, नॉट गेट हमने उसके साथ अटैच कर दिया या इन्वर्जन बबल डायग्राम में, तो ये ज़ीरो होगा तो ये वन हो जाएगी, ज़ीरो है तो वन, ज़ीरो है तो वन, वन है तो ज़ीरो हो जाएगी। इस तरह से भी आप स्टेप्स में कर सकते हैं इसको ट्रुथ टेबल को। नेक्स्ट है नैंड गेट आईसीज नंबर जो है वो 7400 जो है वो यूज़ करते हैं। इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि किस तरह से कौन सी पिन अटैच होगी, यहाँ पे देखें हैं सिमिलर टू एंड गेट जो है वो इसका आईसी का स्ट्रक्चर है इंटरनल, ठीक है। ये क्वाड है जिसका मतलब होता है कि इसमें फोर जो है वो एक ही पैकेज में एक ही आईसी के अंदर फोर जो है वो गेट्स प्रेजेंट है। तो ये आपके पास फर्स्ट है नैंड गेट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इसकी ऑलवेज मैंने आप लोगों को पहले भी प्रीवियस लेक्चर में बताया कि जो पिन नंबर 7 आईसी की होती है उसको हम हमेशा ग्राउंड करते हैं, और जो पिन नंबर 14 आपके पास होगी उसको हम ऑलवेज जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के अटैच करते हैं, प्लस वीसीसी सप्लाई करते हैं। और ये जो नोच जिस साइड पे ये छोटा सा स्ट्रॉक सा इस तरह से बना होता है इसको नोच बोलते हैं, यहाँ से आप काउंटिंग इसके लेफ्ट राइट साइड से यहाँ से काउंटिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं पिन की। तो अब ये इन्वर्ट करके ही आपको थर्ड पे आउटपुट देता है। फर्स्ट इनपुट है, ये सेकंड इनपुट है फर्स्ट गेट की नैंड गेट की, और ये थर्ड पे आउटपुट। वन बाय वन आप चारों को जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल में कोई एक आपसे वेरीफाई करवाया जाए तो किसी भी आप एक को वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं कि ये ठीक है या नहीं। इसको ब्रेड बोर्ड पे हम किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं तो वो ये देख लें। पिन नंबर 7 को हम ग्राउंड करेंगे, पिन नंबर 14 को हम प्लस वीसीसी सप्लाई करेंगे, और जो फर्स्ट एंड सेकंड है ये आपके पास फर्स्ट इनपुट है, सेकंड नंबर पिन जो है वो आपके पास सेकंड इनपुट है, और थर्ड पे आपके पास जो होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एलईडी, यानी कि आप उसको आउटपुट चेक करने के लिए एलईडी वहां पे लगाएंगे और एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल को आप ग्राउंड कर देंगे। तो इस तरह से इसके लिए जो आईसी यूज होगा वो 7400 यूज होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ब्रेड बोर्ड पर इसको जो है वो डिजाइन करेंगे नैंड गेट को, और देन इसकी परफॉर्मेंस करेंगे कि अगर आपको कोई भी प्रैक्टिकल जो है वो गेट्स में से आईसी के साथ परफॉर्म करने के लिए आता है तो आप उसका प्रोसीजर जो है वो किस तरह से राइट अप करेंगे, उसका ये स्टाइल है आज के प्रैक्टिकल में। सिमिलरली इसी तरह से आपने सब प्रैक्टिकल्स में लिखना है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग टू आईसी पिंस कॉन्फ़िगरेशंस के आप उसको मेंशन करेंगे वेरीफाइड ट्रुथ टेबल करने के लिए। तो इसका आप देखें नैंड गेट का जो प्रोसीजर है आईसी के अकॉर्डिंग वो किस तरह से होगा। सबसे पहले आप लिखेंगे आई ड्रू नीट एंड क्लीन सर्कल डायग्राम, देन आई मेड कनेक्शंस अकॉर्डिंग टू द सर्कल डायग्राम, कि सबसे पहले आप सर्कल डायग्राम उसकी ड्रॉ करेंगे आईसी की जिसमें पिंस को मेंशन करते हुए, उसके अकॉर्डिंग कनेक्शंस करेंगे। उसके बाद आप करेंगे आई इंस्टॉल्ड 7400 क्वाड नैंड गेट इन द ब्रेड बोर्ड। क्वाड का मतलब मैंने अभी आपको जैसे बताया कि फोर उसमें नैंड गेट्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे एक ही पैकेज में, यानी कि एक ही आईसी के अंदर फोर नैंड गेट्स आपके मौजूद होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आई कनेक्टेड टू
पिन 2 प्लस 4 वोल्ट एंड कनेक्टेड पिन 7 टू, यहाँ पे हम पिन नंबर 14 लिखेंगे, ठीक है, पिन 14 2 प्लस 4 वोल्ट एंड कनेक्टेड पिन 7 टू कॉमन। कॉमन का मतलब कि आप उसको ग्राउंड करें, पिन नंबर 7 को ग्राउंड कर देंगे एंड पिन नंबर 14 को आप प्लस 4 वोल्ट जो है वो सप्लाई करेंगे। देन आई कनेक्टेड पिन 1 टू स्विच 1 एंड कनेक्टिंग पिन 2 टू स्विच 2। आई आल्सो कनेक्टेड पिन 3 टू एलईडी इंडिकेटर टू L1। यहाँ पे SW का मतलब कि स्विच 1, यानी कि आप फर्स्ट इनपुट, ठीक है, इनपुट 1 भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड कनेक्टेड पिन 2 जो है वो सेकंड आपके पास इनपुट होगी, ठीक है, और जो पिन नंबर 3 होगी वो आप LED वहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, उसको लो या हाई इनपुट और आउटपुट चेक करने के लिए, अपने अकॉर्डिंग टू ट्रूथ टेबल वेरीफाई करने के लिए। आई सेट बोथ स्विच्ड लो एंड रिकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ आउटपुट, कि सबसे पहले आप दोनों जो पिन्स हैं आपके पास स्विच 1 एंड स्विच 2, उन दोनों को आप लो कर देते हैं। लो का मतलब कि आप जीरो कर देते हैं, उनको ग्राउंड कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं, ठीक है। तो जब आप उनको कॉमन कर देंगे, फिर आप उसकी आउटपुट का स्टेटस देखेंगे कि क्या आपके पास है, वो आप ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि अगर दोनों जीरो हो जाती हैं तो आपके पास जीरो आउटपुट होगी ए डॉट बी, अगर आप उसको इन्वर्ट कर देंगे नैंड गेट के लिए ट्रूथ टेबल के तो वो वन होगी, यानी कि दोनों आपके पास लो होंगी तो आपके पास आउटपुट हाई आएगी। सेकंड, आई सेट स्विच 1 लो एंड स्विच 2 लो हाई एंड रिकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ आउटपुट इन द ट्रूथ टेबल, और स्विच 2 को आप हाई करेंगे, 1 को लो करेंगे और स्टेटस को रिकॉर्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ टेबल। उसके बाद फिर आप आई सेट स्विच 1 हाई, अब स्विच 1 को हाई कर देंगे, स्विच 2 को लो कर देंगे और अगेन नोट करेंगे आउटपुट स्टेटस। नेक्स्ट लास्ट में इसका प्रोसीजर के जो दो स्टेप्स, आई सेट स्विच 1 लो एंड स्विच 2 हाई एंड रिकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ द आउटपुट इन द ट्रूथ टेबल, फिर स्विच 1 हाई एंड स्विच 2 लो, अगेन नोटेड द आउटपुट लेवल, और लास्ट में नो आई सेट बोथ स्विचेस हाई एंड रिकॉर्डेड द लॉजिकल लेवल ऑन पिन 3। पिन 3 पे आप उसका जो है आउटपुट को चेक कर लेंगे क्या लेवल है हाई करके। इस तरह से ही आपके पास प्रोसीजर है, इसको आपने राइट जो आपके पास ट्रूथ टेबल आएगा ICS को यूज करते हुए आप किस तरह से ट्रूथ टेबल को जो है वो राइट अप कर सकते हैं। तो उसके लिए स्विच 1 लो है आपके पास, स्विच 2 लो है, तो आपके पास आउटपुट उसके ऑपोजिट कन्वर्ट होके हाई मिलेगी आपको। अगर स्विच 1 आप लो करते हैं, स्विच 2 को हाई करते हैं, तो आपको आउटपुट भी हाई मिलेगी क्योंकि उसके ऑपोजिट हो जाएगी एंड गेट के। और थर्ड पे आप अगर हाई करते हैं फर्स्ट स्विच को, यानी कि ऑन करते हैं, और सेकेंड को आप ऑफ करते हैं यानी कि लो पे, और फिर आपको आउटपुट इसकी भी हाई मिलेगी, यानी कि तीनों पर आपको LED ऑन मिलेगी। अगर दोनों हाई कर देते हैं, दोनों को वन वन कर देते हैं, तो आपको आउटपुट जो है वो लो मिलेगी, यानी कि जीरो, LED ऑन नहीं होगी। तो इस तरह से जो है वो आप इसका ट्रूथ टेबल भी जो है वो लिख सकते हैं। रिजल्ट जो है, आउटपुट ऑफ NAND गेट इज हाई, उसी को वेरीफाई करके सिंपल 2, 1 और 2 लाइंस में कन्वर्ट करके आप रिजल्ट्स लिख सकते हैं, उसी के ट्रुथ टेबल को वर्डिंग में कन्वर्ट करके। द आउटपुट ऑफ अ NAND गेट इज हाई व्हेन आइदर ऑफ द इनपुट्स इज हाई और इफ बोथ द इनपुट्स आर लो, के अगर दोनों आपके पास आउटपुट ऑफ NAND गेट हाई होगी, उसमें से इनपुट जो है वो हाई हो या फिर बोथ द इनपुट्स आर लो हो, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, द आउटपुट इज ऑलवेज हाई एंड goes low only when both the inputs are high. सिर्फ उस वक्त आपके पास लो होगी जब दोनों इनपुट्स आपके पास हाई होंगी, बाकी जो केसेस हैं उसमें आपके पास जो है वो इनपुट एक जो है वो हाई हो या बोथ आपके पास लो हो, तो आपके पास आउटपुट उसकी हाई मिलेगी आपको। तो ये इसका रिजल्ट आप इन वर्डिंग्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये रेफरेंस बुक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड सिस्टम, ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वाली, एक्सपेरिमेंटल अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन डिफरेंट ऑथर्स की जो बुक्स हैं, इनसे आप इनको डाउनलोड करके इनसे आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रैक्टिकल्स, एक्सपेरिमेंट्स और इनकी थ्योरीज को जो है वो फर्दर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोगों ने कम्प्लीट परफॉर्मेंस एंड थ्योरी के बारे में जो है वो डिस्कस किया NAND गेट की। इसके पार्ट टू में हम फायदा लैब में जो है वो परफॉर्मेंस करेंगे ऑन द ब्रेडबोर्ड, देखेंगे, सीखेंगे किस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं और ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करते हैं NAND गेट।
थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।